जी दोस्तों, तो आज आपको हम डाओ का एक वीलॉग दिखाएंगे जिसमें SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कॉन्फ्रेंस है। वेलकम टू पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस चैनल, मैं हूं आपका होस्ट अवेश अकबर। हमारे VC साहब SDG के बारे में हमें अवेयरनेस दे रहे हैं और अभी सईद गनी साहब भी आ गए हैं। सईद गनी साहब ने एजुकेशन को बहुत अच्छा फोकस किया और उसके बाद सर शाह कमाल साहब आ गए और अभी आप ये देख रहे हैं जैसे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इनकी बड़े बड़े लोग मिनिस्टर सवाल जवाब होते हैं तो ये मीडिया वाले लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और इसके बाद अभी हम जाएंगे अपने ब्रेक पे। जी दोस्तों, तो हमारा ब्रेक भी शुरू हो गया तो अभी हम जा रहे हैं कैफेटेरिया, वहाँ से चाय लेंगे और फिर चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आपसे बातें भी करते जाएंगे। ये हमारी कैफेटेरिया है पीछे भाई, चाय भी आ गई है और समोसे भी आ गए। अल्ताफ साहब के साथ आज कंपनी है फुल टाइम। तो अल्ताफ साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंट कर ली है, अभी सवाल जवाब का सिलसिला भी चल रहा है जिसमें इनसे सवाल किए जा रहे हैं। दोस्तों प्रेजेंटेशन तो गई सही है अल्ताफ साहब की भी, अभी जा रहे हैं लंच पे, लंच भी दिखाते हैं आपको। ये हमारा और एक डिपार्टमेंट बिरयानी मिल गई हमें, बिरयानी दिखाई दे रही है। अभी पोस्टर प्रेजेंटेशन चले, ये हमारा पोस्टर प्रेजेंटेशन, दिस इज माय पोस्टर। एंड अलग अलग लोगों का अल्ताफ साहब ने पोस्टर नहीं बनवाया है, ऐसे ही उसके लिए आए हम। हमारे साथ मौजूद हैं रुबाबा जो कि PhD के स्टूडेंट हैं, उन्होंने रिसर्च की हुई है, वो अपने टॉपिक के बारे में बताएंगी और इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है उसके बारे में बताएंगी। जी रुबाबा। अस्सलाम। सो माई टॉपिक इज़ टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग क्लेफ्ट। सो बेसिकली जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स होते हैं, जो कटे तालू के और कटे होठ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो माल न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा होती है और यही हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स हैं और जो जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा इन बच्चों में होती है। क्योंकि इन बच्चों में प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो ये सही तरीके से फीड नहीं कर पाते, इनका जो फीडिंग स्टेटस है वो अच्छा नहीं होता और फिर जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि कैसे इन बच्चों की केयर करनी है। तो हमें पता चला कि जो जनरल पॉपुलेशन में जो स्टंटिंग 38% थी वो इन बच्चों में 60% है और जो अंडरवेट कैटेगरी जो थी जो जनरल पॉपुलेशन में 23% होती है वो इन बच्चों में 42% है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन बच्चों के न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए और साथ साथ हम ये भी कि इनके जो केयर टेकर्स हैं उनकी भी एजुकेशनल थोड़ी डेवलपमेंट की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए ताकि पता चले कि इन बच्चों की कैसे प्रॉपर टेक केयर की जा सके। थैंक यू सो मच रबाबा। जैसे कि आपने देखा क्लिप पैलेट की वजह से न्यूट्रिशन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और न्यूट्रिशन कम हो जाती है। जी दोस्तों, हमारे साथ कमलेश हैं और इनका टॉपिक सुसाइड पे है, इनके बारे में सुसाइड के बारे में पूछेंगे और इनसे अवेयरनेस लेंगे। जी हमारे पास जो 40% लोगों ने बताया कि टीनेजर्स ऐसे एज ग्रुप है जिसमें मोस्ट ऑफ जो है सुसाइड के अटैम्प्ट कॉज होते हैं। अगर अच्छा हमने उनमें कॉजेज पूछे कि उन टीनेजर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको ज़्यादा ट्रिगर करती है सुसाइड के लिए, तो 72% लोगों ने बताया कि उनके अंदर जो डिप्रेशन की है या स्ट्रेस है या जो लॉस ऑफ लव्ड वन है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत उसमें इफ़ेक्ट करती थी। जी सर, थैंक यू। दोस्तों हमारे साथ मोहम्मद अम्मार हैं जो कि कश्मीर से आए हुए हैं अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने, तो इनका टॉपिक के बारे में पूछेंगे और अवेयरनेस लेंगे इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम कश्मीर से हैं, रावला कोट आज़ाद कश्मीर से, तो हमारा रिसर्च टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसके ऊपर हमने जो है ना 100 लोगों का डाटा लिया और उस पर रिसर्च किया, फिर उसके जो है ना रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद उसका कंक्लूजन और रिकमेंडेशन हमने दिया। कंक्लूजन में क्या है आपका? सर ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन है ये जो है ना कहीं लिंक है हमारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ, इसके अलावा डाइटरी रिकमेंडेशन और उसके अलावा लाइफस्टाइल जो है ना चेंजेस, ये चीज़ें लिंक है हाइपरटेंशन के साथ। मतलब अगर डाइट पे वेट पे कंट्रोल करें तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। BMI को नॉर्मल रखें, हम जो है ना फिजिकल एक्टिविटी करें तो हम जो है ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू सो मच। किसी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरशाद जिनका टॉपिक एक यूनिक टॉपिक है, इसके बारे में इनसे पूछेंगे। जी सर,
जी, तो मेरा टॉपिक पैंडेमिक्स एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड 19। बुनियादी तौर पर जो सिक्योरिटी थ्रेट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती थी वो मिलिट्री टर्म्स में देखी जाती थी कि कोई टैंक लेकर आप पर हमला करेगा और फिर आपको उससे थ्रेट होगी, तो पॉलिसी मेकर्स उसी हवाले से अपनी पॉलिसीज बना देते। अब जो न्यूक्लियर एज में जो सिक्योरिटी का इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यानी कि हेल्थ सिक्योरिटी हो गई, जैसे कि आपने देखा पैंडेमिक्स की वजह से ऐसा थ्रेट सामने आया जिसने पॉलिसी मेकर्स का जो परसेप्शन है वो इवॉल्व किया। तो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब ट्रेडिशनल वो हैं जो कि हमारे आर्मी या फोर्सेज आते हैं और नॉन ट्रेडिशनल वो हैं जो कि बायोलॉजिकल हमें नुकसान होता है जिससे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और रिकमेंडेशन क्या करेंगे आप इसमें? रिकमेंडेशन मेरी ये है कि क्योंकि मेरा मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि पैंडेमिक ने किस तरह परसेप्शन को इवॉल्व किया है पॉलिसी मेकर्स की, तो मुझे आपको भी ये जान के खुशी होगी और मेरी रिसर्च भी यही बताती है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब हेल्थ सिक्योरिटी की तरफ जो है वो मुतवज्जा हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये इससे हमारे हेल्थ इशूज़ पर जो स्टेट का फोकस है वो मज़ीद बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। तो ये हो गया पूरा, हमने अपने पोस्टर्स भी ले लिए, तो अभी हम जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह किसी और कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।